हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। तो आज क्या लाई हूँ मैं आप सबके लिए, थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा टेस्टी और थोड़ा सा स्पाइसी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बताने से पहले आप लोग ये चेक कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया है। अगर नहीं किया ना तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही यमी हॉट और टेस्टी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया है वो भी चेक कर लीजिए। मेरे दूसरे चैनल पर मिलेंगे आपको छोटी छोटी टिप, छोटी छोटी ट्रिक और कुछ नया सीखने को, और नाम है उसका सोनू ओजोन के टिप ट्रिक एंड ट्यूटोरियल। तो जल्दी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से। तो चलिए आज बताती हूँ मैं आपको कि आज की रेसिपी में क्या लाई हूँ। कितने लोग हैं जो बैंगन नहीं खाते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो बैंगन की सब्जी का नाम सुनते ही उनका जो मुँह है ना एकदम ऐसे हो जाता है। बच्चे बड़े या बहुत सारे ऐसे नॉर्मल जनरेशन जो भी है, यंगर युवा सारी पीढ़ी को आजकल बस ये है कि फास्ट फूड खाना है और इन सब्जियों को वो लोग भूलते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम इन सब्जियों को इतना यमी बनाएं कि ये बस सब्जी की जो रंगत देखकर ही जो हमारे घर में जो भी लोग बैंगन नहीं खाते हैं वो ये खाएं। एक बार आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपके घर में मेरे स्टाइल से बनने के बाद में जो लोग आपके घर में बैंगन की सब्जी को नहीं खाते हैं उन्होंने खाई या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखिए कि कौन कौन से मसाले डलने वाले हैं और क्या है वो सीक्रेट मसाले जिससे ये ढाबा स्टाइल भरवा मसाला बैंगन जो है ना सब लोग एकदम उंगलियाँ चाटेंगे बिल्कुल जैसे ही बनेगी ना, और उसकी रंगत देखकर तो आपको मजा आ जाएगा। तो और ना हम इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल करेंगे, ना हम इसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। ये रेसिपी कैसे बनने वाली है पूरी तरह से पूरे वीडियो को देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और ऐसे ही ओजन किचन को अपना प्यार देते रहिए। तो बस चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं ढाबा स्टाइल भरवा मसाला बैंगन एकदम यमी हॉट टेस्टी स्पाइसी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी भरवा मसाला बैंगन कैसी बनने वाली है। देखिए कैसी लग रही है, यमी लग रही है ना। तो यहाँ मैंने लिए हैं लगभग 7-8 बैंगन हैं जो बिल्कुल मीडियम साइज़ के हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जैसे भी आपको बैंगन लेने हैं ना आप इस रेसिपी के लिए ले सकते, जैसे भी बैंगन आपको बढ़िया मिलते हैं ना बस ये देख लीजिएगा कि उसके अंदर कीड़े ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी कटिंग करते हैं, और इन्हें वॉश कर लिया मैंने, और उसके बाद में जो इसके ऊपर इस तरह के एजेस होते हैं ये सब हटा दीजिए। देखिए ये बैंगन ख़राब था, इसे पूरा मैंने हटा दिया है। तो इस तरह से बस आपको चेक ज़रूर करना पड़ेगा कि बैंगन ऐसी सब्जियों के अंदर अक्सर जो है ना अंदर की तरफ कीड़े होते हैं। तो चलिए इस तरह से काटने के बाद में वीडियो में जिस तरह मैंने आपको दिखाया है आप इसको सेंटर से भी 4 या 6 बार नाइफ कर लीजिए ताकि इसके अंदर जो हम मसाला बनाने वाले हैं ना वो भर सकें। और साथ के साथ आपको ये भी चेक करना है कि अंदर से कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो बहुत आराम से 4 या 6 बार नाइफ को जो है इसको कट करके और बीच में आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हुआ हो सब्जियों में। तो ये देखिए मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, और अब इस तरह से कट मारने के बाद में इसमें एक एक चुटकी मैंने नमक डाल दिया है। बहुत सारी सब्जियां होती है जो अंदर से थोड़ी सी कड़वी होती हैं, जैसे करेले हैं तो सेम वैसा ही है जो बैंगन के अंदर भी होता है। तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नमक डाल देंगे, नमक जो है जो सब्जियों के अंदर की कड़वाहट होती है ना उससे थोड़ा सा कम या बिल्कुल ही हटाने में उसको मदद करता है। तो हमने इसको नमक डाल के एक एक चुटकी सबके अंदर रख दिया है, और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और यमी सा मसाला बनाते हैं इस भरवा बैंगन के लिए। इस रेसिपी के अंदर जो साबुत धनिया है पाउडर होता है, साबुत धनिया पाउडर वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो 3 से 4 चम्मच हमने टीस्पून वो ले लिए हैं। और जो मिर्ची है वो मैंने 2-2.5 टीस्पून ले लिया है, आप जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसके अलावा जो नमक है वो भी हम डाल देंगे स्वाद अनुसार। और ये मत भूलिएगा कि बैंगन को अंदर से हम नमकीन कर चुके हैं, अंदर से हम उसे नमक भी डाल चुके हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला है मैंने, और ये डाला है मैंने अमचूर पाउडर और थोड़ी सी हींग। तो अमचूर पाउडर लिया है 1 टीस्पून, भुना जीरा मैंने लिया 1/2 टीस्पून, और ये डाला मैंने अभी अभी सौंफ का पाउडर,
और वो 1 टीस्पून। और इसके अलावा कसूरी मेथी ले लीजिए 2 टेबल स्पून, जिसे मैंने इसे हाथों से क्रश करके इस तरह डाल देना है। आप चाहें तो इसे भून कर भी डाल सकते हैं। और ये है नारियल का बुरादा, सूखे नारियल का बुरादा 2 टीस्पून। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स कर लीजिए, चाहे तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ड्राई है तो हम इसे अब स्पून की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। घर में जो भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमें इसमें डाल देना है। थोड़ी सी बाइंडिंग करनी है, तो किन चीज़ों से करनी है तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर तेल डाल दिया है और अच्छे से उसे भी इस तरह से मिक्स कर लिया है। और अब करेंगे हम हाथों का इस्तेमाल। तो देखिए सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब देखिए ये थोड़ा सा ड्राई है। और अगर हम इसे इसी तरह से बैंगन के अंदर डाल देंगे ना, तो फिर ये जो है निकल जाएगा पूरा का पूरा मसाला ग्रेवी में जाते हुए। लेकिन देखिए इसकी रंगत, देखिए बस यही रंगत ग्रेवी में आने वाली है, और सौंफ की जो बढ़िया खुशबू आने वाली है ना, बहुत मज़ा आने वाला है। नारियल के बुरादे का जो थिकनेस आने वाला है ग्रेवी कंसिस्टेंसी में। चलिए फटाफट रेसिपी की तरफ चलते हैं। और मैंने हाथ को आपने देख लिया होगा वीडियो में कि इस तरह से करके पानी लिया है थोड़ा सा। अगर आपको टेबल स्पून नापना है तो मैं 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी डाला है और अच्छे से इसको मिक्स किया है। लगभग 10-15 सेकंड तक आप इसको मिक्स करिए, ताकि पूरा जो हमने पानी हाथ में ले रहे हैं ना, वो इसके अंदर अच्छे से चारों तरफ से पूरे हमारे मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। दूसरी बार भी मैंने वापस से थोड़ा सा पानी लिया है, लगभग 1-1.5 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करते रहिए, बार बार यही कहूँगी, क्योंकि एक साथ पानी डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो धीरे धीरे पानी डालना है, बस आप यूँ समझ लीजिए इसके अंदर 3 या 4 टेबल स्पून से पानी ज़्यादा नहीं डलेगा, इतनी जो बैंगन लिए हैं उसके हिसाब से। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए 2-2, 4-4 बूंदे करके मैंने इसमें पानी मिलाया है। और मिलाने के बाद में मैंने बाकायदा 5 से 10 सेकंड लिए हैं अच्छे से उस उतने ही पानी को पूरे मसाले के साथ में अच्छी तरह वो जो है उसके अंदर समा जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी हमको जो है ना इस तरह रखनी है, जैसे ये हम इसको हाथ में ले लेना तो ये बंधने लगे, मुट्ठी में ये मसाला बंधने लगे। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इस मसाले में से मैंने लगभग 2.5-3 टेबल स्पून मसाला अलग से निकाल दिया है, क्योंकि वो मैं इस्तेमाल करूँगी ग्रेवी के लिए। इसलिए निकाल दिया ताकि मुझे पता लगे कि ये बैंगन्स में अब बाकी कितना भरना है और थोड़ा सा हमें चाहिएगा ग्रेवी के लिए। तो हमने उस पार्ट को थोड़ा सा 2-2.5 टेबल स्पून हमने उसे अलग कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में आपको दिख ही रहा होगा, मैंने एक बाउल में पानी लिया है और बैंगन को हमें इसमें वॉश करना है, जो हमने नमक डाल के रखा था। लेकिन बहुत ही हल्के हाथों से, टूटने नहीं चाहिए, हल्का हल्का सा खोलिए, उसके अंदर पानी जाने दीजिए, फिर हल्के हाथों से दबा दीजिए। इमीडिएट निकालने हैं उसको, उसमें भिगो के नहीं रखना है, बस नमक निकल जाए और उसकी साथ साथ जो है बैंगन की कड़वाहट भी निकल जाएगी। इस तरह से हल्के हाथों से आप इसे वॉश कर लीजिए, और बीच में जब आप वॉश कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा खोल के उसके अंदर भी पानी को जाने दीजिए। सारा नमक निकल गया है और बैंगन की जो कड़वाहट है वो भी निकल गई है। अब भरना है हमें इसके अंदर जो हमने मसाला रेडी किया है वो। आप चाहें तो स्पून के पीछे के हिस्से की मदद से भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल किया है। तो बस इस तरह से अच्छे से एकदम फुल, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, भरवा मसाला बैंगन है तो भाई मसाला तो फुल होना चाहिए ना। और आपने ये देखा ही होगा कि ढाबे के अंदर जब हम इस तरह के भरवा मसाला बैंगन मंगाते हैं ना, तो उसके बैंगन के अंदर कितना फुल, एकदम ओवरलोडेड मसाला भरा हुआ होता है। तो बस वही तरीका मैंने भी यहाँ पर आजमाया है, तो बिल्कुल वैसे ही हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल भरवा बैंगन मसाला। तो बस आप भी इसे इसी तरह से फुल, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से इस मसाले को अंदर फिल कर दीजिए। देखना खाने में इतने यमी लगेंगे ना आपके, आप बैंगन को जिस तरह तोड़ तोड़ के खाएंगे ना, तो आपके हर बाइट में एकदम ओवरलोडेड मसाला आपके जो है ना रोटी के साथ में आपके आएगा, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए बातें करते करते मैंने आपके साथ में सारे बैंगन के अंदर ये सारे मसाला को भर दिया है। और थोड़ा सा देखिए अब इसमें जो है ना डाल, सारा मसाले को हर बैंगन के अंदर डालने के बाद में थोड़ा सा बच गया है, तो उसे भी हम जो है ग्रेवी के साथ में इस्तेमाल कर लेंगे और उसको उसी में यूज़ कर लेंगे। तो बिल्कुल है ना, देखिए परफेक्ट, जितने बैंगन और सारे बैंगन में हमने सारे मसाला को एकदम ओवरलोडेड मैंने आपके सामने किया है, एक भी बैंगन को स्किप नहीं किया है। अब इस बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के रख देते हैं, लगभग 1/4 कप है ये पानी, ताकि जो इस बाउल में जो मसाला लग गया है वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे ग्रेवी में।
चलते हैं गैस के बर्नर को ऑन कर दिया है और एक बर्तन रख दिया है मैंने और यहाँ पर डाल दिया 2 बड़े चम्मच तेल। आप इसमें जो है ना एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका बर्तन का जो तला है ना वो थोड़ा मोटा होना चाहिए क्योंकि हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं जो जल्दी जल जाता है। तो चलिए तेल गर्म हो गया है, मैंने इसमें 2-3 चुटकी हींग और 1-1.5 टीस्पून जो है जीरा डाल दिया है। जैसे ही जीरा तड़कने लगेगा और हींग की खुशबू छोड़ने लगेगी हींग, उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर हमने ली है 1-2 हरी मिर्ची, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है वो डाल दी है और उसके अलावा मैंने डाल दिया है इसके अंदर ग्रेट किया हुआ 1 टीस्पून अदरक। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अदरक का, तो ये स्किप मत कीजिएगा। और अब इसे हल्का सा हिला देते हैं और सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है ऑयल में आने देते हैं और लगभग 1 मिनट तक आपको इसको घुमाना है। देखिए जीरा लाल हो चुका है, गैस की आँच को अब हमने कर दिया है स्लो क्योंकि हम डालने वाले हैं ये 1 टेबल स्पून बेसन। जी हाँ, ये है वो इंग्रेडिएंट्स जिसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ग्रेवी भी जब इसकी पकेगी ना तो कई बार बेसन होने की वजह से वो चिपकने लगती है, तो आप मोटे तले का बर्तन ज़रूर लीजिएगा। और ऐसी कोई रेसिपी ढाबाज में नहीं बनती है जिसके अंदर बेसन का इस्तेमाल ना किया जाए उनकी ग्रेवी में। तो ये उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना ग्रेवी की, उसको थिक बनाने का ये वो राज है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो अब डाल देंगे जो हमने भरवा मसाला बैंगन का मसाला ग्रेवी के लिए बचा के रखा था ना, बेसन को आधा 1 मिनट भुनने के बाद में मैंने वो मसाला डाल दिया है और इस तरह कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है, ये मत भूलिएगा क्योंकि नहीं तो ये जलने लगेगा। तो अच्छे से इसको पका देते हैं पूरे मसाले। 1 मिनट हम मसालों को पकाने के बाद में हम डालेंगे इसमें आधा बाउल टमाटर प्यूरी। ये मेरे आइस क्यूब जो हैं मैंने फ्रीजर से निकाल दिए हैं क्योंकि मैंने टमाटर्स को प्रिजर्व कर रखा है पूरे साल के लिए, मैं हमेशा प्रिजर्व करती हूँ और वो सारी टिप ट्रिक मैंने आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। टमाटर को स्टोर कैसे करें, फुली टमाटर कैसे स्टोर करें, टुकड़ों में कैसे स्टोर करें और प्यूरी में क्या क्या डालें कि वो 1 साल तक ख़राब नहीं हो। तो बस उसमें से मैंने ये जो है एक कटोरियों में भी मैंने जमा के और इस तरह की प्यूरी को मैंने फ्रोजन करके रखी थी कि प्यूरी को डालने के साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी का भी इस्तेमाल किया है ताकि जो मसाले हैं अच्छे से पक जाएँ और वो जले ना। तो ये लगभग आधे जो है बाउल है और अब डालेंगे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही, जिसे मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ ताकि उसके अंदर कोई लम्स नहीं रहे और एकदम वो एक सार हो जाए पतली सी छाछ स्टाइल में। तो जब तक ये टमाटर प्यूरी जो हमने फ्रोजन डाली है ना वो भी थोड़ी सी अपनी जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद में देखिए मैंने अब डाल दिया यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और बाकी सूखे मसाले भी हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक और फिर वापस से रेड चिली पाउडर जो घर में इस्तेमाल नॉर्मली होता है वो मैंने 1 टीस्पून और डाला है, धनिया पाउडर का भी मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे 1 टीस्पून और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। नमक आपको संभाल कर बिल्कुल याद रख के डालना है क्योंकि मसाले में ऑलरेडी हम वो नमक लाल मिर्ची डाल चुके हैं, तो सारे सूखे मसाले हमें उसी हिसाब से डालने हैं ताकि आप जो है ना बहुत ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। तो चलिए दही भी मैंने अच्छे से स्पून की मदद से ही पूरे अच्छे से हिला के और इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसके अंदर जो डालेंगे, हमने जो वो पानी बचा के रखा था ना बाउल्स के अंदर जो हमने मसाले को पूरा जिसमें बनाया था वो वाला, वो इसमें डालेंगे लेकिन 2 मिनट तक इन सब मसालों को भुनने के बाद में अच्छे से। बस ये चम्मच हिलाते हुए जो आप हम कर रहे हैं ना प्रोसेस, इसे आपको नहीं छोड़ना है नहीं तो जो हमने इसमें बेसन डाला है ना वो चिपकने लगेगा। तो पहले जो दही की कटोरी में हमने पानी डाल के रखा है थोड़ा सा वो डाल देते हैं लगभग 2-3 टेबल। और अब सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं लेकिन बैंगन डालने से पहले बैंगन इनमें समा जाए उतना हमें पानी डालना पड़ेगा। और देखिए उबाल आ गया है इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, लगभग मैंने 1/2 कप पानी और डाल दिया है। और जैसे ही 1/2 कप पानी डालने के बाद में उबाल आने लगेगा ना तो इसको हम पहले तो 30 सेकंड्स के लिए इसको ढक्कन लगा देते हैं, हालांकि उबाल तो आ गया लेकिन थोड़ा सा तेल जो है ऊपर जो ग्रेवी में है ऊपर आ जाने दीजिए। तो देखिए अब अच्छे से मसाले पक चुके हैं और बढ़िया सा जो हमने पानी डाला था उसका कच्चापन भी ख़त्म होके वो भी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी में मिल चुका है। तो बस अब हम डाल देंगे इसके अंदर धीरे धीरे जो हमने बैंगन में मसाला भर के रखे थे, उसे हमें इस तरह से सब जगह फैला के अच्छे से बर्तन में इसको डाल देना है और थोड़ा सा इसको जो है इस तरह से टॉस कर लीजिए या चम्मच की मदद से साइड से थोड़ी थोड़ी ग्रेवी लेके इन बैंगन के ऊपर हमें इस तरह से डाल देनी है ताकि अच्छे से पूरी ग्रेवी का जो
टेस्ट है ना वो भी बैंगन के अंदर तक समा जाए। और अब हम लगा देंगे इसको ढक्कन, लगभग 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे, गैस की आंच को बिल्कुल सिमर कर दिया है। 4 से 5 मिनट के बाद में आप ढक्कन हटाकर बैंगन को देखिए, एक साइड से पूरी तरह पक चुके हैं और अब हमें इसे खुरपी या चम्मच की मदद से धीरे से इसका दूसरे साइड को पलट देना है, बहुत ही हल्के हाथों से, ताकि ये टूटे ना। और देखिए अब मैंने इसको धीरे धीरे पलट दिया है हर बैंगन को, और अब फिर से हम लगा देंगे इसको 2 से 3 मिनट तक, दूसरी बार भी ढक्कन लगा देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ हरा धनिया थोड़ा सा। कहते हैं ना, जिस तरह दुल्हन का श्रृंगार बिंदी के बगैर अधूरा, उस तरह हर रेसिपी का श्रृंगार हरे धनिया के बगैर जो है अधूरा। हरे धनिया के साथ साथ हमने डाल दिया बचा हुआ जो हमारा सौंफ वाला पाउडर था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब लगा दिया ढक्कन, और लगभग 3-4 मिनट बाद में ढक्कन आप हटा के देखिए, ये देखिए, वाव, व्हाट अ ब्यूटी, बिल्कुल तेल जो है ना सब्जी का ऊपर आ गया है और बैंगन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए, ना हमने किसी प्याज का इस्तेमाल किया है, ना हमने किसी गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी इसकी ग्रेवी कितनी थिक और कितनी यमी लग रही है। मेरे मुँह में सच में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं फटाफट से इसको सर्व कर रही हूँ और जल्दी से इसको टेस्ट भी करने वाली हूँ। आप किसके साथ खाएंगे इसके, तंदूरी रोटी नॉन के साथ में या घर की सादी रोटी? मैं तो घर की सादी रोटी के साथ खाने वाली हूँ। आपका जिससे दिल करे उसके साथ में खा के आप इसको टेस्ट कीजिएगा, एक बार ज़रूर बनाइएगा। बार बार यही चीज़ कहूँगी, जो लोग बैंगन नहीं खाते हैं उनके लिए एक बार आप इस तरह के बैंगन, भरवा मशाला बैंगन ढाबा स्टाइल में बना के ज़रूर आप उनको टेस्ट कराइएगा। मेरे को पूरा यकीन है कि उनको ये रेसिपी इस तरह से अगर आप बना के देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। देखिए कितनी यमी लग रही है दिखने में ही। तो चलिए जल्दी से मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ में, कुछ हॉट टेस्टी स्पाइसी स्वाद लेकर। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सोनू जोजोन के टिप ट्रिक एंड ट्यूटोरियल। तो दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बस यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।